हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे लोगों को सैलरी मिलती है किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में, तो उसमें से जो ग्रेटर देन है, सपोज कीजिए ग्रेटर देन 12,000, ग्रेटर देन 15,000, तो इस तरह की सैलरीज के लिए क्वेरी कैसे बना सकते हैं कि मतलब उससे ज्यादा वाली चाहिए, उससे कम वाली चाहिए, इस तरह के लिए हम क्वेरीज बनाना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं और यहाँ से क्रिएट पे चले चलते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से जाकर के बना सकते हैं टेबल, लेकिन फिलहाल इसमें मैं एसक्यूएल व्यू की बात करूंगा। तो यहां से चलेंगे और यहां पर क्रिएट मिलेगा, फिर क्वेरी डिजाइन मिलेगी, तो यहां से इसको बंद कर दीजिएगा, फिर यहां आपको एसक्यूएल नजर आएगा। बस इसको क्लोज करके यहां पर लिखिएगा क्रिएट टेबल, यानी हमें टेबल बनानी है। और टेबल का नाम मैं क्या दे देता हूँ, टेबल का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कर देता हूँ। तो ये एम्प्लॉई कर दिया, एम्प्लॉई, ठीक है। तो यहाँ पे पी होगा, पी छूट गया, तो यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, एम्प्लॉई। अब हो गया ये एम्प्लॉई, क्योंकि टेबल है तो यहाँ टी लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ। इसमें कौन कौन से फील्ड्स आएंगे वो हमें डालने होंगे, जैसे यहाँ पे लिखूंगा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉई। तो ये जो है ना वेर कैर होगा, वेर कैर डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पर इसकी साइज में 20 रख लेता हूँ। फिर हम जो दूसरा लिखेंगे फील्ड उसको क्या देना है वो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और दूसरे फील्ड का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा सैलरी, सैलरी दे दिया। तो यहाँ पे अब सैलरी आएगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी की डिटेल आएगी। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करेंसी कर देता हूँ, करेंसी। अब ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो यहाँ पर ये करेंसी सपोर्ट कर जाती है, लेकिन यही अगर आप माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो वहां पे करेंसी नहीं सपोर्ट करेगी। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसको टर्मिनेट करके और यहां से रन कर दीजिएगा तो बस आपका टेबल बन जाएगा। तो यहां से अब आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके यहाँ पर इंसर्ट भी करा सकते हैं, आसान है। तो चलिए हम यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नाम डाल देता हूँ, राम, इनकी सैलरी है 12,000, ठीक है। फिर यहाँ पे श्याम कर देता हूँ, आप इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके भी इसको इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12,200 कर देते हैं और फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं एक और नाम नाजिया, ये लिख दिया, और यहाँ पे इनकी सैलरी है 14,500, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुंदन एक और नाम लिख देते हैं, इनकी सैलरी है 15,500, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सैलरीज हमने यहाँ पे एंटर करवा दी हैं, और यहाँ पे लोकेश एक और नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर इनकी सैलरी है 20,000। तो यहाँ पे सैलरी की डिटेल आ चुकी है, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से अब हमको एक क्वेरी बनानी है। क्वेरी किस तरीके की बनानी है, पहले इस टेबल को सेव कर ले, इस क्वेरी को सेव कर ले। तो इसे मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय क्यू, क्यू यानी क्वेरी, तो एम्प्लॉय, पी छूट गया फिर से, यहाँ पे पी लिख लेते हैं, एम्प्लॉय क्यू, क्यू कर देंगे, क्यू से पता चलेगा कि ये क्वेरी है। तो ये हो गया, अब इन दोनों ही टेबल्स को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये क्लोज कर दिया हमने, अब क्लोज करने के बाद करना क्या, एक नई क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी किस तरीके की बनानी है उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। तो यहीं पर जो है आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो इस चीज को मिस ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना, ये जो आ रहा है टेबल इसको क्लोज करके यहाँ माई एसक्यूएल पे आ जाइएगा। और यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर सेलेक्ट जो कमांड है, सेलेक्ट जो कमांड है उसको यूज करना है। तो ये सेलेक्ट कमांड लिखा हमने और यहां पे लगाइएगा एस्टर का सिंबल और यहां पे फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट करना है। तो यहां पे एम्प्लॉय इस तरीके से लिख दीजिएगा और यहां पर चूंकि हमको एम्प्लॉय टेबल से ही सेलेक्ट करना है तो एम्प्लॉय टी लिख दिया हमने, ठीक है ना। एम्प्लॉय टी लिखने के बाद यहां पर हम दे देते हैं वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर, वेयर क्या चीज, वेयर यहां पे दे देंगे सैलरी, सैलरी, सैलरी इस तरीके से लिख दीजिएगा, सैलरी, सैलरी लिखिएगा एस एल ए आर वाई, सैलरी इज ग्रेटर देन, देखिएगा सैलरी इज ग्रेटर देन करना, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन कितना कर देते हैं, 12,000, ग्रेटर देन 12,000, 12,000 कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहां पे इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा, बस काम हो गया है। और यहां से अब रन करना, सिंपली रन करना हमें। तो देखिए जिनकी भी सैलरी 12,000 से ग्रेटर है उन सबके नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस टेबल में देखिएगा तो एक लोग की सैलरी जो है 12,000 से लेस है, मतलब 12,000 ही है, ग्रेटर नहीं है। राम की सैलरी जो है 12,000 ही है। अब इसमें मैं अगर कुछ और नाम ऐड कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख दिया युवराज, ठीक है।
इनकी सैलरी मैं 10,000 कर देता हूं, तो देखिए 10,000 वो हट जाएगा, 10,000 नहीं देगा वहां पे, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं वर्तिका, एक और नाम लिख दिया, और इनकी सैलरी जो है 7,000 है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये जो 7,000 या 12,000 तक भी अगर होगा तो वो सैलरी इसमें नहीं काउंट होगी। देखिए ये जो क्वेरी बनी इसमें नहीं काउंट होगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां से ये क्वेरी पहले रन करा देता हूं, ये जो क्वेरी बनी हुई है इसको पहले मैं रन करा दूं, ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये देख सकते हैं ये वो क्वेरी है, अब इसको एक बार रन करवा दीजिए। तो देखिए इसमें जो है वो नाम शामिल नहीं होंगे जो कि 12,000 से लेस है या 12,000 है, 12,000 इवन 12,000 भी नहीं शामिल होगा। तो अगर किसी एम्प्लॉय का इसमें 12,000 भी है, जैसे कि राम का है, यहां पर एक और कर देता हूं मैं, लाइक यहां पे एक और नाम मोनिका लिख देता हूं, और इनकी भी सैलरी अगर 12,000 है तो इनका भी नाम उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहां पर देख सकते हैं क्वेरी रन हुई है, तो यहां पर वो नाम इंक्लूड नहीं हो रहा है जो 12,000 है। तो आप ग्रेटर देन लेस देन लगाना है तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेरी लेस देन में लगानी है तो मैं आपको फिर ले चलता हूं वहां पे, ये चीज लेस देन होती, ध्यान दीजिएगा 12,000 लेस देन और इक्वल टू, दोनों दिया है, दोनों सपोर्ट करेगा क्या, एक बार देखना होगा हमको, दोनों सपोर्ट करता है यानी, इसको पहले क्लोज करेंगे और फिर यहां से डिजाइन पे जाके इसको रन करवा देंगे। तो लेस देन इक्वल टू, देखिए लेस देन इक्वल टू दोनों दिया हमने, तो देखिए 12,000 भी आने लगा, ठीक है। लेस देन करेंगे तो 12,000, लेस देन इक्वल टू भी किया, दोनों कर दिया ना, तो दोनों में से 12,000 भी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये क्वेरी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।